जैसा कि आप जानते हैं कि एप्पल ने अपनी एक्स सीरीज लॉन्च कर दी थी पिछले ही साल, आईफोन 10 जिसे हम बोलते थे, तो उसकी एक और सीरीज लॉन्च करी थी उसने, आईफोन एक्सएस मैक्स। उसकी तरफ से एक खबर आ रही है कस्टमर की तरफ से कि उसका जो एक्सएस मैक्स है, करीबन उसने अभी एक दो वीक ही हुआ था उसे खरीदे हुए, और वो एकदम से फायर वायर उसने अपने आप ही पकड़ ली, और अचानक क्या हुआ उस स्मार्टफोन में, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, स्मार्टफोन को काफ़ी बुरी हालत हो चुकी है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों के बारे में, बने रहिए हमारे साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं पीके टेक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक और एपिसोड में टेक न्यूज़ नंबर 23। बात कर रहे थे हम आईफोन एक्सएस मैक्स की, तो आईफोन एक्सएस मैक्स जो है उस कस्टमर का तबाह हो चुका है। देखते हैं एप्पल क्या कार्रवाई करता है, क्या उसे संतुष्टि देता है कस्टमर को, वो तो पता चलेगा, वो हम आपको बताएंगे। बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ, तो वो है हमारे पास नोकिया 9 की तरफ से। नोकिया 9 फाइनली बता दिया गया है कि 2019 आ गई है, अब ये स्मार्टफोन भी जल्द ही आपके सामने आ जाएगा, जिसके अंदर 5 कैमरे का सेटअप दे रखा है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बात करी जाए इसके प्रोसेसर की, तो आपको वही पुराना प्रोसेसर मिलेगा स्नैपड्रैगन 845 का, और अभी खास इसके स्पेसिफिकेशंस कुछ बताए नहीं गए हैं, सिर्फ वेरिएंट बताया गया 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ, तो वो है हमारे पास हुवावे Y7 Pro की तरफ से। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं स्मार्टफोन को, आपको मिलेगा वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले। बात करी जाए इसके कैमरे की, तो आपको रियर में 13+2 MP का कैमरा सेटअप मिलेगा। वहीं बात करें फ्रंट कैमरे की, तो आपको मिल जाएगा 16 MP का सेल्फी कैमरा। बात करी जाए इसकी बैटरी की, तो आपको मिलेगी 4000 mAh की बैटरी। देखते हैं स्मार्टफोन ये कब तक आता है इंडियन मार्केट में, हालांकि इंडिया के हिसाब से प्राइस बताई जा रही है इसकी 11,900 रुपये। देखते हैं स्मार्टफोन किस हद तक अच्छा साबित होता है। बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ, तो वो है हमारे पास सैमसंग की तरफ से। सैमसंग जल्द ही अपने बजट स्मार्टफोन की सीरीज लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज़। स्टार्ट होंगे गैलेक्सी M10 से लेकर M20, 30 और 40 तक। बताया जा रहा है स्मार्टफोन बजट स्मार्टफोन होंगे। बात करें इनके कुछ स्पेसिफिकेशंस की, तो आपको मिलेगी वी इन्फिनिटी डिस्प्ले इन स्मार्टफोन में बताया जा रहा है, और 13 और 5 का जो कैमरा सेटअप है MI की ही तरह मिलेगा, 13 का रियर कैमरा और फ्रंट में आपको 5 MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा। देखते हैं स्मार्टफोन्स ये सैमसंग वाले कब तक आते हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ, तो वो है हमारे पास सैमसंग की ही तरफ से। सैमसंग टक्कर देने वाला है अमेजोन और गूगल के जो होम, उसको बोलते हैं हम गूगल होम, जो आपको सर्विस देता है, आपके आंसर्स देता है, आपको काफ़ी फायदेमंद पहुंचाता है वो, जो गूगल का सपोर्टेबल या फिर एलेक्सा हो अमेजोन की तरफ से। तो सैमसंग भी कुछ ऐसा ही सैमसंग गैलेक्सी होम मिनी लॉन्च करने वाली है। इसके ज़रिए आप ले पाएंगे वो सारे के सारे फीचर्स जो आप गूगल होम में या फिर एलेक्सा में लेते थे। देखते हैं इसके फीचर्स क्या कुछ खास होंगे, वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।